प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस सभागार में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पंचायती राज, नगर विकास, ग्राम्य विकास तथा अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिया कि शौचालय का निर्माण कार्य 31 जनवरी 2019 तक हर हाल में पूर्ण करा लिया जाए और अभियान चलाकर लोगों को शौचालय के प्रयोग के लिए जागरूक भी किया जाए तथा गाँव शहर में आवारा पशु ना घूमे। आवारा पशुओं के द्वारा गाँवों में फसलों को नुकसान किए जाने के साथ ही जान माल की भी हानि कर देते हैं, इसलिए उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी डेयरी गौशालाओं को पंजीकृत कराने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जनवरी माह में कैंप लगाकर पेंशन दिव्यांगों को उपकरणों के एक साथ वितरित कराया जाए। राशन कार्ड में आ रही शिकायतों का एक सप्ताह में जांच कराकर रिपोर्ट दें तथा राशन वितरण के लिए नोडल अधिकारी नामित करें तथा उसके सामने राशन वितरण कराएं। उन्होंने ई पास मशीनों को सही क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि किसी कारणों से गरीब जनता को परेशानी न होने पाए। उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टरों के कार्य क्षेत्र को बदलने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है जन कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के गरीब तबकों तक पहुंचे और पात्र लोगों को इसका लाभ पारदर्शी तरीके से मिले। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों, अलाव आदि की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, सड़क पर एक भी व्यक्ति न सोने पाए। उन्होंने जिला पंचायत के काजी हाउस को पुनः संचालित करने पर बल देते हुए कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जानवरों सड़क पर न आए और जो लोग उनका पालन कर रहे हैं उनका देखभाल भी करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मनरेगा से तैयार होने वाले 179 गौशालों को अगले माह तक तैयार कर लिया जाए तथा स्थानीय लोगों को उनको संचालित करने की जिम्मेदारी भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने उनवल, कस्बा संग्रामपुर नगर पंचायत के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि नगर पंचायत उनवल के विभिन्न कार्यों के शिलान्यास अगले दौर में कराए जाएं, इसके लिए तैयारी आरंभ कर लें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो पैसा लाभार्थियों के खाते में जा रहा है उनका उपयोग उसी कार्य के लिए हो, अन्य किसी प्रयोजन में ना हो। उन्होंने सौभाग्य योजना में विद्युतीकरण, उनवल कस्बे के चौराहे के सौंदर्यीकरण, पोलों पर LED लाइट लगवाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नगर निगम और नगर पंचायतों में शौचालय का निर्माण कराया जाए। कैंपियरगंज के वन क्षेत्र के आसपास किसानों के फसलों को जंगली जानवरों के नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए योजना बनाई जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित आयुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम देख रहे हैं ना, एक सप्लाई इंस्पेक्टर की क्या सिद्धार्थ नगर की कहानी आई है। उसकी स्कॉर्पियो, अभी एक सप्लाई इंस्पेक्टर स्कॉर्पियो से जा रहा है, थैचर लोगों को रोंदते हुए जा रहा है। यानी सप्लाई इंस्पेक्टर स्कॉर्पियो से जा रहा है, इसका मतलब उसने अच्छी खासी उसके पास रकम होगी, उसकी इनकम के बहुत बड़े होंगे। सप्लाई इंस्पेक्टर के सब के क्षेत्र बदल करके और क्रॉस चेकिंग करवाइए थोड़ा सर। एक सप्ताह के अंदर एक पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए, कहीं भी हमारे पास ये शिकायत नहीं आनी चाहिए, इस चीज को नोट कर लेंगे। ठीक है। तीसरी शिकायत ये कंबल वाली आई है। जिला पंचायत के पास कांजी हाउस है, एक भी जीवित नहीं, सब मृत कराया है। केयरटेकर ने सबको शिफ्ट करके रखा हुआ है। नगर विकास के पास भी कांजी हाउस भी है, पिंजरा पोल भी है और के लिए धनराशि 1 साल पहले उपलब्ध कराई गई। जो पात्र हो लाभार्थी उसी का चयन किया जाए और फिर जनप्रतिनिधियों के हाथों से उसको कंबल वितरण कराया जाए।